सभी दर्शकों की सेवा में जोगा सिंह कैथ का नमस्कार। दोस्तों, आज आपके समक्ष उपस्थित होने का कारण है कि एक नया कार्यक्रम सहज भाव से ही शुरू हो गया, सहज चर्चा के नाम से। पिछला अंक आपने देखा था और आज दूसरा अंक करने का प्रयास कर रहे हैं। राम कुमार रिवाड़ जी उपस्थित हो गए हैं, नमस्ते कहते हैं। और मैंने आज के इस आयोजन के लिए, सहज चर्चा के लिए, लक्ष्मण भाटी भारतीय जी को इनवाइट किया है, जो पंजाबी के अध्यापक हैं 67 RB में। और सभी दर्शकों का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि पिछले अंक को भी आपने बहुत सराहा, बहुत देखा, शेयर किया, पसंद किया, कमेंट किए। चंदोरा जी का था वो पहला कार्यक्रम और आज लक्ष्मण भाटी भारतीय जी को इनवाइट किया है। उमेदाराम जी उपस्थित हुए हैं, धर्मपाल शाक्य उपस्थित हुए हैं और भाटी जी को मैंने इनविटेशन भेज दिया है, थोड़ी देर में हमारे साथ उपस्थित होने वाले हैं। हमने रिहर्सल भी की थी। बलवंत सिहाग जी जुड़ने के लिए मांग रहे हैं, तो हम इंतजार कर रहे हैं भाटी जी का कि वो भी अपनी सूचना दें हमें, कि ताकि जुड़ करके इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा सकें। हाँ जी, भाटी जी जुड़िए आप। तो आज का दिन बहुत ही विशेष दिन है। लक्ष्मण भाटी भारतीय जी नमस्ते का भेज रहे हैं, जुड़ने के लिए भेजिए सर, या दोबारा जोड़ूं आपको? मेरी सूचना आ रही है या नहीं आ रही आपके पास? हाँ जी, ये चित्र से कुछ समझ में नहीं आ रहा कि लिख के भेजें कुछ संदेश। अच्छा, दोबारा भेजा है क्या आपने? हाँ जी, दोबारा आपने भेजी है, अप्रूवल मैंने कर दी है, ऐड भी आपको कर दिया है। हाँ, अब ऊपर साइन आ रहा है ऐड होने का। अभी आप जुड़ने वाले हैं, जगदीश भाटी जी भी आ गए हैं, नमस्ते कर रहे हैं। हाँ जी, उपस्थित हो गए हैं। लक्ष्मण भाटी भारतीय जी, आपका सहज चर्चा पर, इस मंच पर स्वागत है और अभिवादन। हम आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आपने हमारे छोटे से आग्रह को टाला नहीं, उसको स्वीकार किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज आपका ये बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने ये काबिल समझा हमें, बहुत बहुत धन्यवाद तो आपका है सर जी। कुलदीप ढुंडवाल और धर्मवीर गोयल भी देखना शुरू कर चुके हैं, नमस्ते कहते हैं। और पिछला अंक चंदोरा जी के साथ था तो वो भी बहुत लोगों ने पसंद किया और बहुत अच्छी क्रिया प्रतिक्रिया दी, और आज दूसरा अंक आपके साथ कर रहे हैं। और आज का दिन बहुत ही विशिष्ट दिन बन गया है, उस दिन भी बहुत ही विशिष्ट दिन हो गया था जो पहला अंक हमने किया था। आज का इसलिए हो गया कि आज भी कई त्योहार जुड़ गए हैं, उस दिन भी जुड़ गए थे। तो सबसे पहले तो क्या है कि ईद उल फितर की सभी दर्शकों को, जो दुनिया भर में इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सभी को हमारी तरफ से बहुत 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 मुबारक, शुभकामनाएं और बधाई। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस भी आज के दिन है और उन सबको भी, पत्रकार बंधुओं को, दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी मीडिया में काम करते हो, उनके लिए भी हम बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। और सबसे बढ़िया चीज, आखा तीज का पर्व बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, क्योंकि किसान अपना गल्ला संभाल चुका होता है और बहुत ही अब फुर्सत में होता है, अगले फसल लगभग बो चुका होता है और वैशाख के मध्य में ये मनाई जाती है आखा तीज। और बहुत ही बढ़िया तरीके से आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया। और फिर एक सबसे बड़ी बात, आप भी इसके अंदर उपस्थित हो गए हैं तो इससे और भी महत्ता बढ़ जाती है। तो ये कुछ बातें मैंने करनी थी, तो सहज चर्चा के लिए हमने आपको आमंत्रण दिया, आपने स्वीकार किया, वेलकम। तो सबसे पहले मैं आपसे
काम के बारे में पूछना चाहूंगा, आप अध्यापक हैं और पंजाबी के, इसके बारे में कुछ बताइए। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे जैसे युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए ये प्लेटफॉर्म हमें दिया है। और जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी को, जैसे जितने त्यौहार सर ने बताए, ईद का त्यौहार है, आका तीज का त्यौहार है, या परशुराम जयंती है, जितने भी त्यौहार आज है, क्योंकि त्यौहारों का देश है भारत, सभी को इन सभी त्यौहारों की बहुत बहुत हार्दिक मंगल कामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और आपने एक छोटे से शिक्षक को ये प्लेटफॉर्म दिया, इसके लिए आपका तहे दिल से मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आपने जिस प्रकार से कहा पंजाबी अध्यापक हूँ, तो सर मैं बता दूं कि वैसे शुरू से ही मेरा जुनून रहा था कि मैं एक अध्यापक ही बनूं। सबसे पहले मेरा टारगेट ये था कि मैं अध्यापक बनूं, और उसके बाद में ये मन में आया पंजाबी, जैसे मैंने एक प्राइवेट स्कूल के अंदर पढ़ाना शुरू किया, तो ऐसी धुन मेरे अंदर सवार हुई, ऐसी लगन लगी कि जैसे ही मैंने सूफी कवियों के बारे में पढ़ा, गुरमत काव पढ़ा, उसके बारे में जैसे ही मैंने पढ़ा, जैसे जैसे पढ़ता गया, उस हिसाब से मेरे को लगा कि ये एक एजुकेशन तो है ही है, शिक्षा तो बच्चों को हम दे ही पाते हैं, इसके साथ साथ हम एक आने वाली भावी पीढ़ी है जो, वो बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर पाएंगे, क्योंकि साहित्य के साथ जुड़ा हुआ जो विद्यार्थी होता है वो अन्य जो शिक्षा के साथ साथ अन्य जो सामाजिक जो गतिविधियां, मान लीजिए जो सामाजिक सोच है, वो नैतिकता है, वो हम बच्चों के अंदर पैदा कर सकते हैं। तो मेरा पहले दिन से ही दृढ़ निश्चय था कि मैं एक शिक्षक बनूं, और दूसरा ये था कि मैं एक पंजाबी शिक्षक बनूं। अब सर क्या है, धुन ये थी कि मैं एक पंजाबी गांव में अंदर रहता हूँ, पूरा पंजाबी गांव है, और मेरे समाज का एक ही घर यहाँ पर है, तो आसपास जो जितने भी गांव है सब पंजाबी है, तो उस हिसाब से ये धुन लग गई कि पंजाबी शिक्षक बनना है। अब ये कहते हैं कि क्योंकि बड़े भाई साहब 1996 के अंदर पोस्टेड हैं, वो भी शिक्षक हैं, और हमें तीन भाई हैं, हम तीनों भाइयों को हमारे पिताश्री, उन्होंने बहुत अच्छी शिक्षा ग्रहण करवाई, और सबसे बड़ी बात ये मैं कहना चाहूँगा कि हम तीनों भाइयों ने ही अपनी जो शिक्षा, जो अध्ययन किया है, वो सरकारी विद्यालयों के अंदर ही किया है, और इसमें हमारे पिताश्री, उनका बहुत बहुत बड़ा योगदान है, शब्दों के अंदर मैं बयान नहीं कर सकता जितना उन्होंने हमें दिया है। कोई हमारे पास जमीन नहीं थी, कुछ नहीं, एक दिहाड़ी मजदूरी करने वाला एक परिवार था, और इस मुकाम पर हमें पहुंचाया। तो सर मेरी जो प्राथमिक शिक्षा थी वो गांव के ही विद्यालय के अंदर मेरी पूर्ण हुई 5वीं तक थी, और उसके बाद में जो मैंने 10वीं तक शिक्षा ग्रहण की वो राजकीय, उस टाइम माध्यमिक था, अब उच्च माध्यमिक विद्यालय बन चुका है, संगराणा मेरे ग्राम पंचायत मुख्यालय के अंदर स्कूल है, वहां से जो मैंने अध्ययन किया। उसके बाद में मैंने जो मेरी 12वीं तक की शिक्षा है, 11वीं 12वीं, मैंने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गैसिंगपुर के अंदर मैंने अध्ययन किया। और देखिए सर, जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, पारिवारिक स्थितियां भी वैसी ही थी, तो मैं आगे रेगुलर मेरी पढ़ाई में नहीं रख पाया, और मेरे को मजबूरी बस पारिवारिक कारणों के कारण ही मेरे को प्राइवेट स्कूल ज्वाइन करना पड़ा, और मेरी शिक्षा के लिए ट्यूशन बच्चों को करवानी पड़ी, और इस प्रकार से मैं खुद इस प्रकार से संघर्ष करता हुआ आगे बढ़ा, और मेरी जो कॉलेज की पढ़ाई है मैंने वो सारी सारी स्वयं पाठी के रूप में ही पूरी की, और साथ साथ मेरा अध्ययन कार्य भी चलता रहा, और अध्यापन कार्य भी मैं करवाता रहा। और जैसे जैसे मैंने अध्यापन करवाया तो पंजाबी की मेरे अंदर धुन सवार हुई, और फिर उस समय क्या था कि पूरे जिले के अंदर 2 या 3 लेक्चरर ही पंजाबी के होते थे, और किसी ने इस प्रकार से कह दिया कि ये राजस्थानी जो बागड़ी बंदे हैं वो क्या पंजाबी पढ़ाएंगे, तो बस वो कहते हैं कि एक ठोकर किसी को कामयाब कर सकती है, तो मैं निंदक मेरे राखी, तो मैंने उनको जो निंदा की उनको नजदीक रखा, और एक धुन सवार कर ली कि अध्यापक बनना है वो भी पंजाबी का अध्यापक ही बनना है, और प्राइवेट नहीं सरकारी अध्यापक बनना है। उस मंजिल के अंदर सर 2000 पहली जो भर्ती हमारी आई, 2010 के अंदर भर्ती आई, उसके अंदर हम मैं कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि कैसे ही समझ लीजिए कि पारिवारिक कंडीशन है, प्राइवेट स्कूलों के अंदर पढ़ाते थे। उसके बाद में 2012 के अंदर जो भर्ती आई, उसके अंदर जी जान से जुट गए कि अब तो कामयाब होना ही है। अब वो क्या, वो ऊपर वाला भी कोई परीक्षाएं ले रहा था, और उसने उसने इस प्रकार से कुंदन की तरह तपाने का सोच लिया हमें,
अब 12 के अंदर सभी को ज्वाइनिंग मिल गई, लेकिन हमारी जो भर्ती है वो कोर्ट के अंदर अटक गई। अब वो धीरे धीरे चलते चलते वो सर 6 वर्ष तक अटकी रही, और वहां पर एक और प्रण कर लिया कि लगना है तो इस भर्ती के अंदर ही लगना है। अब क्या है कि 6 साल कोर्ट कचहरी के अंदर चक्कर लगाते रहे, उसके बाद में 2018 के अंदर जाकर के ये हमारी भर्ती पूर्ण हुई, और 28 जुलाई 2018 को मैंने जो मेरा प्रथम जो विद्यालय है सरकारी विद्यालय है राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय 67 आरबी ब्लॉक रायसिंह नगर के अंदर वो मैंने ज्वाइन किया वहां से, और 4 वर्ष लगभग पूर्ण होने को है। और अब जब जैसे ही सरकारी विद्यालयों के अंदर बच्चों को देखते हैं तो खुद का बचपन वो संघर्ष वाला जीवन याद आता है, तो बस तन मन से जुटे हुए हैं सर, और जितना भी कर पा रहे हैं। अब यही मन में है कि बहुत देर हो गई, बहुत लेट हो गई। अब जो देर हुई सो हुई, लेकिन फिर भी सवेर तो हुई ही, और सवेर भी ऐसी हुई है कि बहुत अच्छी सवेर हुई है। इसको बहुत ही खुश मिजाज होकर के स्वीकार करना चाहिए, और जो आदमी खुद संघर्ष करता है और फिर अध्यापन के क्षेत्र में कूद जाता है, वो खुद उन सभी बच्चों को जब देखता है तो उसको अपना अपन याद आता है। और मैं यहाँ दर्शकों से निवेदन करना चाहूंगा, राम कुमार वार जी हैं, अमीना जी हैं, और बहुत सारे गुरदीप जी हैं, और ये सब लोग देख रहे हैं, अपने कमेंट भी लिख रहे हैं। मैं बीच में भाटी जी को इंटरप्ट नहीं कर पा रहा था, नहीं करना चाहता था, ताकि उनकी बात सहज भाव से सबके सामने आए। नाम जो है वो तो बाद में, आपके जितने भी कमेंट आएंगे हम बाद में भी आपको लाइक कमेंट करेंगे, और कोई रिप्लाई करने की जरूरत पड़ी तो जरूर आपको रिप्लाई देंगे, और भाटी जी भी आपको रिप्लाई में धन्यवाद जरूर भेज देंगे। हो सकता है बलवंत त्याग जी भी हैं, तो अभी हम नहीं सर, जो हमें जो जो हमारे मतलब मित्रगण हैं जो हमारी बॉल पर समय निकाल कर जो आए हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा इसको शेयर भी करें, क्योंकि सिर्फ 8 लोग मैं देख पा रहा हूं पर जुड़े हुए, तो ये संख्या बढ़े, और जो लोग जुड़े हुए हैं उनसे मेरा निवेदन रहेगा थोड़ा शेयर करें। और कालूराम जी गणेशगढ़ से हैं, हमारे मित्र हैं, जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और बलवंत सिहाग जी कह रहे हैं आखिर मेहनत रंग लाई, तो सर मेहनत हमेशा रंग लाती है चाहे वो कैसा ही रंग लाए, लेकिन मेहनत उसके लिए बहुत जरूरी है। और राम कुमार रेवार जी कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर आपकी प्रेरणादायक संदेश से बेशुमार साथियों को आपकी प्रेरणा से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। बिल्कुल सर, कोशिश यही है, और बच्चों को यही संदेश देने का प्रयास करते हैं कि आप संघर्ष करिए, आप अपने इष्ट खुद ही हैं, हमें जन्म ही हमने लिया है इस दुनिया के अंदर, शादी ब्याह हम ही रचाते हैं, बच्चे भी हम पैदा करते हैं, मरते भी हम ही हैं, जो कुछ करना हमने ही करना है, कोई यहाँ पे अवतार लेकर नहीं आएगा, हमारा जीवन संवारने के लिए नहीं आएगा, हमने स्वयं ही करना है। और बच्चों के अंदर यही हमेशा ये शिक्षा देने के हम प्रयास करते हैं। और उसके बाद में सर मैं आपको बताना चाहूंगा जो हमारी 6 साल का जो हमारा संघर्ष रहा उसके ही कारण ये है कि अब मैं सोचता हूँ कि एक शिक्षक जो होता है उस पर समाज है या देश है पूरा का पूरी धुरी है, वो उसके चारों ओर इर्द गिर्द ही घूमती है, और मन में ये रहता है कि कुछ ना कुछ इस समाज के लिए इस देश के लिए कर जाए। एक थोड़ा सा वैसे ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ लोग कहते हैं कि आप इतना क्यों कर रहे हो, सोशल मीडिया पर देखते हैं कि आप इस प्रकार से इतना समय निकालते हो, कैसे कर लेते हो, क्यों कर रहे हो, तो मैं मजाक में उनको कहता हूं सैलरी हमें सरकार दे रही है और बच्चे पढ़ा रहे हैं, इतना तो हमें देती ही है। अब क्या है कि जो माता पिता है उनको चिरंजीवी योजना के अंदर स्वास्थ्य के लिए वो दे दिया है, हमें पढ़ा दिया हमारे माता पिता ने, हमारे स्वास्थ्य में कोई दिक्कत आएगी सरकार हमें RGHS के अंदर हमें निःशुल्क इलाज दे दिया है। और आज जिनका जन्मदिन है उनको मैं विशेष तौर से जन्मदिन की बधाई देना चाहूंगा, हमारे राज्य के जननायक कहलाते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का, क्योंकि मैं शिक्षक हूं और अच्छे कामों की सराहना होनी चाहिए, हमें बुढ़ापे की लाठी दोबारा हमें दे दी है, बुढ़ापे की चादर हमें उन्होंने लौटा दी है। मैं इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत उनको बधाई देना चाहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। राजनीति के एक साइड में छोड़ दीजिए, लेकिन उन्होंने जो निर्णय लिया है बाकमाल,
बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। तो हमें बुढ़ापे की लाठी भी जब उन्होंने लौटा दी, तो अब जीवन में कह दो वक्त की रोटी तो खानी है हमें, क्यों ना हम समाज के लिए, क्यों ना हम अपने देश के लिए, अपने विद्यालयों के लिए, कर्मस्थली के लिए या अपने जन्मस्थली के लिए कुछ ना कुछ कर जाएं। छोटी छोटी मुहिम सर हमने मैंने चला रखी है, उसमें आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो मेरी शिक्षण कार्य है उसमें तो मैं रुचि रखता ही हूँ, रुचिपूर्ण तरीके से शिक्षण कार्य करवाना उसमें तो मेरी रुचि है ही है। उसके साथ साथ मैंने पर्यावरण के क्षेत्र के अंदर भी विद्यालय के अंदर आज अब से पहले लगभग 100 पौधे मैं लगवा चुका हूँ और उसकी देखभाल भी कर रहा हूँ और अच्छी तरीके से उनकी कर रहा हूँ। और उसके बाद में बताना चाहूंगा कि इसमें मेरे जो गांव है 67 RB 67 RB मेरा गांव है जहां पर विद्यालय है जिसमें मैं ड्यूटी देता हूं। गांव का जो सहयोग है वो अविस्मरणीय है सर। जब हम एक आदमी को बुलाते हैं तो 4 आदमी आते हैं किसी काम के लिए, सहयोग के लिए, इतना सहयोग उस गांव का रहता है। और पूरा मतलब मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं। अब उनके अंदर थोड़ा सा आत्मविश्वास, उनके अंदर विद्यालय के प्रति एक समर्पण पैदा करवाने के लिए इससे पहले मैं जो बड़े आयोजन है, 4 बड़े आयोजन मैं करवा चुका हूँ वहां पे, और उसके अंदर आप सोशल मीडिया के मैं करवाने वाला कौन हूँ, पूरी टीम करवाती है वैसे तो, लेकिन जितना भी मैं मेरी तरफ से कर पाता हूँ मैं करता हूँ। और उस मंच पे उनको दिखाने की कोशिश की कि सरकारी विद्यालय भी कुछ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब प्रतिस्पर्धा की बात आती है तो सरकारी विद्यालयों के सामने निजी विद्यालय जो खड़े नजर आते हैं। मैं निजी विद्यालयों की निंदा नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैंने 15 साल उन विद्यालयों के अंदर बिताए हैं। मैंने 15 साल मैंने निजी स्कूलों के अंदर मैंने काम किया है। बहुत वहां पर भी बहुत कड़ी प्रतिस्पर्धा है, बहुत मेहनत करवाते हैं, लेकिन वो मेहनत नजर नहीं आती। वहां पर भी मैं मेहनत करता था लेकिन जो 15 साल के अंदर नजर नहीं आई वो केवल और केवल 4 सालों के अंदर नजर आने लगी। क्यों? क्योंकि समाज का दृष्टिकोण ऐसा है, सरकारी विद्यालय के अंदर या सरकारी जो जॉब गवर्नमेंट जॉब लगा हुआ है उसके प्रति लोगों का नजरिया है वो अलग ही हो जाता है। तो इस बीच में मैं जो हमारे साथी हैं उनको भी शामिल कर रहे हैं। सीताराम मीणा जी हैं, हमारे गुरु जी हैं, सावंत सर से अभी अपने गृह जिले में चले गए हैं वो, वेरी गुड लक्ष्मण जी कह रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बड़े भाई साहब जगदीश भाटी जी जुड़े हुए हैं और वो भी शेयर करने के लिए कह रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। और रामकरण मेड़ीवार जी कह रहे हैं कि वाह आज तो जोगा सिंह जी को बोलने का मौका ही नहीं मिल रहा है। किसे कहते हैं, इसे कहते हैं सर, सही बताऊं कि मैं भी जब विद्यालय के अंदर अध्ययन करता था उस समय मैं भूल नहीं पाता था, इतना शर्मीला था। लेकिन अब क्या है, वो नवजोत सिंह सिद्धू वाली बात हो गई है कि बोलने लगे तो चुप नहीं होते, लोग मेरे को नवजोत सिद्धू कहने लग गए हैं। तो इस प्रकार से जब माइक हाथ में आ जाता है तो फिर वो तो इस प्रकार से सब आगे बढ़ते रहे। राजे के बात का उत्तर देना चाहूंगा, हम तो 34-35 साल बहुत बोल लिए, आपने सुन भी लिया और अब मेरी बारी आई है बुलवाने की। तो आज भाटी जी को मैंने बुलवाना शुरू किया है, तो उन्होंने जितने भी कोई अपने कार्यक्रम किए हैं वो सराहनीय हैं और जो सराहनीय कार्य हैं वो जरूर सामने आने चाहिए। और ये कोई विशेष तौर पर कोई ये कार्यक्रम शुरू नहीं किया गया, ये सहज भाव से ही शुरू हो गया था ये कार्यक्रम। कोई इसके लिए कोई पटकथा नहीं लिखी गई, कोई इसकी योजना परियोजना नहीं, कोई किसी साथ कोई राय मशवरा भी मैंने नहीं किया। ऐसे ही चंदोरा जी के बारे में थोड़ी सी 2-4 फोटो मैंने देखी, मेरे को बहुत अच्छा लगा, तो एक दिन उनको बुला लिया, तो वो तो बड़ा लोगों ने सराहा। तो वो तो हमारे ओम पारखी जी हैं पत्रकार, जो डॉक्टर में रहते हैं, सीनियर पत्रकार हैं, उन्होंने एक कमेंट में लिखा था चंदोरा जी के प्रोग्राम के लिए, ये बहुत ही सहज ढंग से वार्तालाप हुई आपकी, बहुत ही अच्छी लगी। तो मैंने फिर उसका नाम सहज ही रख दिया। सहज वार्ता ठीक है, सहज चर्चा बहुत ही बढ़िया लगा मेरे को। तो मैं ओम जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने एक अनजाने में सहज भाव से ही एक सहज नाम मेरे को सुझा दिया। और भाटी जी से बात की तो उन्होंने तुरंत हाँ कर दी, तो मेरा हौसला बढ़ गया। और अब पता लगेगा कि भी जो सहज ढंग से जो काम किए जाते हैं उनको अगर सहज ढंग से अगर हम आगे बढ़ाएं तो निश्चित रूप से दूसरों को प्रेरणा मिलती है। एक बात और कहना चाहूंगा,
ये अक्सर हम सुनते आए हैं कि कोई भी शुभ काम करिए या कोई आप दान दीजिए तो दूसरे हाथ को पता नहीं लगना चाहिए कि हम दान दे रहे हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा अपना भिन्न विचार मत रखता हूँ, हो सकता है किसी को पसंद आए या ना भी आए। हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि जो भी कोई दान देता है, चाहे वो विद्या का दान दे या धन का दान दे, तन मन धन का दान दे, किसी भी रूप से देश की गांव की सेवा करता है, समाज की सेवा करता है, साहित्य की सेवा करता है, अनाथ साफ विषय है सेवा करने के लिए, उसमें अपना योगदान देता है, तो उसके बारे में बताया जाना चाहिए ताकि लोगों को प्रेरणा मिले। अब जैसे नेत्रदान है, उसके बारे में खूब जानकारी दी जाती है, प्रचार किया जाता है ताकि लोग प्रेरित हों। अब ये थोड़ा ही आंख दान कर दी, चुप करके बैठ गए, तो फिर लोगों को प्रेरणा कैसे मिलेगी? तो वो दूसरों को प्रेरित करने के लिए भी ये सहज चर्चा बड़ी उपयोगी रहेगी। और भाटी जी, अब मैं आपसे एक बड़ा निजी सा प्रश्न आ गया, वो मेरी याद आ गया, तो मैं वो पूछना चाहूंगा कि अमूमन लोग जो हैं अपने नाम के साथ गांव का नाम लिखते हैं, और ये खासकर पंजाब के अंदर ज्यादा चलता है कि अपने नाम के साथ अपना सरनेम नहीं लिखते हैं और अपने गांव का नाम लिख देते हैं, जहां का भी है, ठीक है ना। और आपने अपने नाम के साथ भारतीय लिखा, क्यों? सर भारतीय इसलिए लिखा कि इसके अंदर पंजाब के अंदर जो गांव है वो अपने नाम के पीछे अपने गांव का नाम लगाते हैं, मातृभूमि को वो जोड़ के रखते हैं, और वहां पर कुछ तो नाम ऐसे हैं सर कि वो फिट बैठ जाते हैं, किसी ने नाम पीछे लगा दिया वो फिट बैठ गया। लेकिन मेरे गांव का नाम अब क्या बताएं सर कि जो नहरें निकली हुई सर 22 आरबी है, अब लक्ष्मण भाटी 22 आरबी लिखूं तो वो जस्ता नहीं है सर। तो इस प्रकार से पूरा जो देश है वो ही मेरा गांव है, इसलिए बस भारतीय लिख दिया, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। तो यही है, और उसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि नाम लिखने से ज्यादा है कि उस मातृभूमि के लिए, जन्मभूमि के लिए कुछ काम ऐसे कर जाए कि अपने आप ही आप पहचान हो जाए कि कौन सा गांव कि वो फुलाने वाला गांव। बहुत बहुत बड़े गांव के निवासी निकले। हमारे एक हरियाणा में मित्र हैं, विनोद कुमार, तो वो भी अपने नाम के साथ भारतीय लगाते हैं। और दूसरा नाम आपका सामने आया, मैंने कहा चलो आपके साथ आमना सामना हो गया है तो फिर अपने सारे चीजें बता भी दें। तो अब मैं ये आपसे जानकारी चाहूंगा आपके बारे में कि अध्ययन के बारे में या शिक्षण में आपने आने के लिए ही सोच रखा था, इसलिए आप इसके अंदर आए, और यहाँ आकर के आपने अपने मन के मुताबिक कर्म, जब मिल जाता है आदमी तो खुश होकर के काम करता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, दो राय नहीं है। तो अध्यापन के अलावा कुछ काम तो आपने गिनवा दिए हैं, अब और क्या क्या काम आपके प्लेटफॉर्म पर चल रहे हैं या आगे उनको चलाने का है, उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को प्रेरित कीजिए। सर अध्यापन कार्य तो है ही है, ये तो मेरा मूल जो काम है, मेरी मूल ड्यूटी बनती है। इसके अलावा जो छोटे बहुत जो मुहिम छोटी छोटी चला रखी है, कहते हैं कि जो छोटी छोटी मुहिम होती है वो बहुत बड़ा परिणाम देती है। इससे पहले मैं थोड़ी सी लंबी बात हो जाएगी, मैं जो अपने साथी हैं उनके नाम मैं जरूर ले दूं। बलवंत सियाल जी लिखते हैं हम हिंदुस्तानी, बिल्कुल सर सोच यही रखिएगा। अरुण आर्य राम राम जी कह रहे हैं राम राम। और प्रेम चंदोरा जी जो हमारे गुरु जी हैं, पिछले कार्यक्रम के अंदर मैं बड़ा प्रभावित हुआ प्रेम सर की जो मैंने वार्तालाप सुनी थी, इस प्रकार से लग रहा था जैसे मेरी ही जीवनी वो दोहरा रहे हों। सर बिल्कुल ही जो आप कर रहे हैं लाजवाब बाकमाल जो आप कर रहे हैं, हालांकि अपने पर्सनल कभी मिले नहीं हैं, तो वो लिख रहे हैं कि मेरे कर्मस्थली 27 ML के सभी गणमान्य नागरिक बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद कह रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी, आप इतनी अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। राम कुमार रेवार जी लिख रहे हैं आदरणीय गुरुदेव भाटी साहब एक सवाल है, अक्सर सुनने में आता है और देखने में भी
मैं कई बार आया है कि अध्यापक लोग पैसों के बारे में बहुत कम कंजूसी रखते हैं, आपका क्या विचार है? बहुत कम कंजूसी रखते हैं, मैंने उल्टा सुन रखा है कि मास्टर जो कंजूस होते हैं, तो कम कंजूसी आपका बड़प्पन है कि ये हमें दिया। लेकिन सर ऐसी बात नहीं है, क्योंकि सच्चाई ये है कि एक जो थानेदार बनता है ना वो थर्ड ग्रेड के बराबर ही होता है, लेकिन थानेदार को देखो, थानेदार और लोगों का नजरिया है, पटवारी है, आप उनकी सैलरी वगैरह कभी देखें तो उस हिसाब से, मैं नहीं कह रहा क्वालिफिकेशन हिसाब से, अध्यापक होता है बिल्कुल सहज स्वभाव का होता है, सरल व्यक्तित्व का होता है, उसके अंदर पद कभी नहीं बोलता है, कभी नहीं बोलता पद उसके अंदर, ये नोट कर लेना आप। और ये भी है कि वो जब जॉब लगता है ना, इतनी मुश्किल नौकरी है अध्यापक की प्राप्त करना, इतना कंपटीशन है कि सर ये बाल है ना ये भी धोले हो जाते हैं, सफेद हो जाते हैं बाल जो नौकरी प्राप्त करते करते हैं तब। तो इसलिए पैसे का महत्व एक टीचर जानता है और फिजूल खर्ची वो नहीं करता है। हमारे आदरणीय ओम पारिक जी रावत सर से जुड़ चुके हैं और ये जो कार्यक्रम का नाम उन्होंने सहज वार्ता रखा, ये तो एक छोटा सा उदाहरण है, ये तो कभी कोई दृश्य देख लेना तो उस पर पूरी कविता रच देते हैं, ये इनका एक अलग ही व्यक्तित्व है ओम जी का, जो जिसने भी जहां भी ऊंट पर बैठे हुए व्यक्ति को लिख दिया तो कविता रच देते हैं, इतने बड़े ये शब्दों के जादूगर हैं ये। तो ओमपाल जी कहते हैं कि करने के लिए बहुत काम है, मंथन की कड़ी में विचारों के प्रवाह में बहुत अमृत निकलेगा, आप दोनों विचारों का समुद्र मंथन के भागीदार बने। बस बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इसको समुद्र मंथन नाम दिया। तो मैं अब ये बताना चाहूंगा, जो मैंने मेरी जो जन्मस्थली है उसमें जो मेरी कर्म भूमि है उसके लिए तो मैं काम कर ही रहा हूँ, जन्मस्थली है उसके लिए मैंने मुहिम जो शुरू की है, सबसे पहले जो हमारे युवाओं के जो आइकन है शहीद आजम भगत सिंह, उसको मैं मेरे गांव के अंदर एक एक बच्चे का आइकन बनाने की मैंने सोची कि क्यों ना शहीद भगत सिंह के बारे में बताया जाए। दूसरा जो मैंने सोचा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दूसरे व्यक्तित्व ऐसे हैं जिसको एक प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक बच्चे को उनके बारे में ज्ञान होना चाहिए, पता होना चाहिए कि उन्होंने कैसा संघर्षमय जीवन जिया है, और आइकन बनाना चाहिए। तो सर दोनों ही जो व्यक्तित्व है उनकी जो जयंती है वो गांव के अंदर मनाने की मैंने सोची। अब कई बार क्या है, हम सहज ही बातचीत करते हैं तो पूछते हैं कि आप स्कूल के अंदर कार्यक्रम क्यों नहीं करवाते, वो कहते हैं गुरु जी कार्यक्रम तो करवा लें लेकिन हमारे स्कूल में बच्चे कम हैं। दूसरा ये कहते हैं कि कुछ कार्यक्रम करवाइए सर, क्योंकि जब हम समाज के साथ नहीं जुड़ेंगे तो परिणाम कैसे निकलेंगे, समाज के साथ जुड़ना चाहिए हमें। तो फिर कई कहते हैं कि कार्यक्रम तो गुरु जी करवा लें लेकिन बच्चे छोटे हैं। मैं बताना चाहूंगा यदि करने की ठान ले, मेरे गांव के अंदर मैं कोई पोस्टेड नहीं हूं, बिना स्कूल के भी कार्यक्रम किए जा सकते हैं, बस आप अपने अंदर मादा चाहिए। और मैंने जो 114वीं जो जयंती शहीद भगत सिंह की जो गांव के अंदर धूमधाम से मनाई और दृढ़ निश्चय कर लिया तो पूरा गांव साथ आ गया सर, और बहुत बड़ा एक आयोजन मैंने करवाया, हमने पूरे गांव के संयुक्त प्रयासों से करवाया, और नेतृत्व करता देखिए सर एक दो बंदे होते हैं, बाकी सारे जो टीम वर्क होता है, तो उस हिसाब से एक कबड्डी का बहुत बड़ा टूर्नामेंट करवाया। और आगे वाला जो कार्यक्रम है जो अभी 28 सितंबर को जो आएगी जयंती शहीद भगत सिंह की, उसको बहुत भव्य तरीके से मनाने का हमने सोच रखा है, पहले से उसकी रूपरेखा बनाने शुरू कर दी है। और जो अभी 131वीं जयंती बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती, इसके अंदर जो हमने गांव के अंदर मनाई, अब इसके अंदर क्या उद्देश्य ये है कि देखिए गांवों तक जो नशा है वो घर घर तक पहुंच चुका है। तो कहते हैं कि जब आग लगती है तब हम जो सबसे पहले सुरक्षित चीज है उसको बचाते हैं, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है बच्चे हैं वो सुरक्षित हैं, उनको बचाया जाए। तो गांव में बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाएं में वो भाग ले, तैयारी करें उनकी एजुकेशन की और बढ़े, अपना कैरियर बनाए, नशे की ओर न जाएं, खेलों से उनको जोड़े, ये मैंने मुहिम जो शुरू की है। और गांव में मैं संडे को जब फ्री होता हूँ बच्चों को छोटे छोटे टूर्नामेंट खिलाता हूँ, और 5-7 बच्चों से शुरू किया था, और अब वर्तमान के अंदर गांव से नहीं बल्कि आसपास के गांवों के बच्चे भी संडे के दिन, अब तो परीक्षाएं चल रही हैं जब छुट्टियां हो जाएंगी आना शुरू हो जाएंगे, और पहले भी आते थे, कम से कम 50-60 बच्चे हैं जो मेरे गांव के अंदर खेलने के लिए आते हैं, उनको खिलाता भी हूँ
और उनको उत्साहवर्धन उनका करता हूँ ताकि नशे से बच्चे बचे रहें। और इस प्रकार से गांव के अंदर भी पौधारोपण का जो कार्यक्रम है वो भी चलाता हूँ और साथ साथ कुछ सामाजिक सेवाएं हैं वो भी मैं करता हूँ और समाज के अंदर फैली हुई कुरीतियां है, अंधविश्वास है, उनसे भी जगाने के लिए मैं चाहे सत्संग के अंदर जब माइक मिल जाए तो वहां भजन सुनाना शुरू कर देता हूँ, मतलब थोड़ी थोड़ी कलाएं बहुत बढ़िया। हाथ अजमा लेता हूँ सर। अच्छा तो कहते अच्छा हैं कि शिक्षक वो ही है जो पारंगत हो हर कला के अंदर, थोड़ी थोड़ी कला आनी चाहिए। तो इस प्रकार ये से जो भाटी जी जो शिक्षक है ना, जैसे आपने एक पीछे एक वाक्य बोला था कि शिक्षक वहीं रह जाता है, और शिक्षक ही रह जाता है, बहुत बड़ा वो, और कुछ नहीं बन पाता, शिक्षक ही रह जाता है, बन जाता है। अब इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि वो अपने अंदर से जितना कुछ और बन सकता है वो अपने शिष्यों को बनाना शुरू कर देता है। उसके हर गुरु के दिमाग से आईएएस ऑफिसर निकलते हैं, आईपीएस ऑफिसर निकलते हैं, मुख्यमंत्री निकलते हैं, प्रधानमंत्री निकलते हैं, मिनिस्टर निकलते हैं, और बड़े बड़े अधिकारी निकलते हैं। आप गुरु को प्रधानता समझ के उसको अपने नजरअंदाज क्यों कर देते हैं? गुरु की महिमा बहुत अपरंपार है। और ये तय है, आपकी बात बिल्कुल सही कही आपने कि शुरू में थोड़ी सी पैर, देखो जब छोटा होता है बच्चा तो पैर तो डगमगाते भी हैं, गिर भी जाता है, फिर उठ करके चलता है, घसीटता है, जैसे तैसे अपनी गति पकड़ लेता है, और जब खुद चलने लग जाता है अच्छी तरीके से, फिर वो अपने देश को भी चलाने लग जाता है, अपने समाज को भी आगे बढ़ाने लग जाता है। क्योंकि गुरु एक ऐसा तीर है, तीर, निशान वाला तीर, कि वो किसी को भी इंगित करता है कि भी आपको इधर नहीं जाना, इधर जाना है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, तो वो गाइड करता है एक तरह से, और ये होना भी चाहिए। अच्छा भाटी जी, इसके बाद अगली थोड़ी सी अंदर जाने की कोशिश करूंगा मैं आपके, अभी एक वाक्य जी बोला सर कि जाने का मौका मिल जाए तो गा भी लेता हूँ, तो जी कोई जी गाने की 2 पंक्तियां सुना दीजिए सर। गाने की पंक्तियां सर ऐसे है कि ज्यादा बहुत बड़ा कलाकार तो नहीं हूं, यानी कि जैसे नहीं, होना चाहिए थोड़ा बहुत बिल्कुल सहज बड़ा भाव से। तो मैं रोजाना ही बच्चों को जो प्रेरित करवाता हूँ तो उसके अंदर भी एक रोजाना मैं बच्चों के साथ गाता भी हूँ, कभी नाश्ता भी हूँ, कभी सब कुछ ही करते हैं। छोटे बच्चे हैं, मिडिल स्कूल है मेरा, तो उसके अंदर सुबह सुबह प्रार्थना मैं खुद ही साथ ही गाता हूँ। और ये बता दूं सर कि बच्चे जो हैं अब म्यूजिक पे मैं करवाता हूँ तो साथ साथ बोलना शुरू उन्होंने, बच्चों ने टोनिंग पकड़ना शुरू कर दिया उन्होंने और बहुत लय के साथ बोलते हैं वो। जी। तो एक जो मैं प्रेरणा की वहां पर मैं रोजाना बच्चों को गवाता हूँ और बच्चे वो जब फ्री में खेलते हैं तब भी वो गुनगुनाते हैं वो, तो वो प्रेरणा गीत की वो चंद पंक्तियां हैं वो आपको मैं नजर करूंगा। संगीत का बिल्कुल तो नहीं है हालांकि, तो वो इस प्रकार से सर। कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा, कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा, सदा प्रेम के गीत गाता चला जा, कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा। अब मैं बच्चों कहता हूं क्योंकि बहुत बढ़िया। बच्चे जिस सामाजिक क्षेत्र से आते हैं, जो आर्थिक उनका जो परिवार की जो स्थिति होती है, और उस हिसाब से मैं कहता हूं, तेरे मार्ग में वीर कांटे बड़े हैं, तेरे मार्ग में वीर कांटे बड़े हैं, लिए तीर हाथों में बैरी खड़े हैं, बहादुर है, बहादुर है, सबको मिटाता चला जा, कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा, कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा, तू है मूल वासी का वंशज, तू है आर्य वंशी, ऋषि कुल का है बालक,
प्रतापी यशस्वी सदा दीन पालक, तू संदेश सबको सुनाता चला जा, कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा, कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा। अब मैं कहता हूं कि आने वाले समय में आपके सामने बड़े बड़े तूफान आएंगे, और उन बच्चों को मैं ये प्रेरणा देता हूं कि उन तूफानों से भी तेरे को टकराना पड़ेगा। भले आज तूफान उठ करके आए, भले आज तूफान उठ करके आए, बाला पर चली आ रही है बलाएं, बाला पर चली आ रही है बलाएं, युवा वीर है, युवा वीर है, दंतनाता चला जा, कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा, कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा, जो बिछड़े हुए हैं उन्हें तू मिला जा, जो बिछड़े हुए हैं उन्हें तू मिला जा, जो सोए पड़े हैं उन्हें तू जगा जा, जो सोए पड़े हैं उन्हें तू जगा जा, तू आनंद का डंका बजाता चला जा, तू आनंद का डंका बजाता चला जा, कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा, कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा, सदा प्रेम के गीत गाता चला जा, कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा। तो इस प्रकार से सर ये रोजाना मैं गीत गाता हूँ, प्रेरणा गीत, और बच्चों के अंदर एक ऊर्जा भरने की कोशिश करता हूँ, बच्चे गुनगुनाते हैं। कुछ और भी आपने लिखा है तो प्लीज नजर करें, जो आपको एक सर बढ़िया सी रचना लगती हो। मैं सर आपने पूछ लिया तो एक एक तार छेड़ दिया है, तो मैं एक और कविता है मेरे को बहुत अच्छी लगी, और वो आपके जो पूर्व साथी वरिष्ठ उद्घोषक आदरणीय प्रमोद कुमार शर्मा जी की लिखी वो रचना है, वो मैं आपको सुनाना चाहूंगा। मेरे को बड़ी प्यारी लगी और ऊर्जा प्रदान करने वाली है, प्रेरणा देने वाली है जी। वो कविता है रोशनी के लिए। रोशनी के लिए बिजलियों से लड़ा, खुशबुओं के लिए तितलियों से लड़ा, रोशनी के लिए बिजलियों से लड़ा, खुशबुओं के लिए तितलियों से लड़ा, आप क्या रूठ कर मुझसे दूर गए, ताउमर अपनी मैं गलतियों से लड़ा, रोशनी के लिए बिजलियों से लड़ा, खुशबुओं के लिए तितलियों से लड़ा, भूख थी जब मेरा ही नसीब दोस्तों, पेट क्यों रात भर पसलियों से लड़ा, रोशनी के लिए बिजलियों से लड़ा, खुशबुआ। बीच में इंटरप्ट हो गया है और सिग्नल शायद उधर भाटी जी की साइड से वीक हो गया लगता है।
भी दोबारा जुड़ने का प्रयास कर रहे होंगे, तो सभी दर्शकों के नाम बाद में हम पढ़ लेंगे और जिनके नाम रह भी गए हैं, कुछ नाम हम बोल भी पाए हैं और जो नहीं भी बोल पाए उनसे हम क्षमा भी चाहेंगे, क्योंकि कार्यक्रम ही इतना रोचक होता चला जा रहा है कि बीच में जगह नहीं मिलती है। और बलवंत राय राठौड़ जी हैं, M.R. चौहान जी हैं, जब तक बाटी जी जुड़ने का प्रयास कर रही हैं तब तक मैं कोशिश करता हूं कि कुछ अपने साथियों के कमेंट में अगर पढ़ पाऊं तो। डॉक्टर नगेंद्र कौर जी लिखते हैं कि बाटी जी बहुत बढ़िया प्रस्तुति है। राजेंद्र कुमार जी ने नमस्कार भेजा, हंसराज जी हैं और ओम पारिक जी और बलवंत सियाग कह रहे हैं कि शिक्षा ही बड़ी चीज है, पैसा नहीं। हीरा लाल सारसवा कहते हैं राम राम। और डॉक्टर रंजीत यादव भी कार्यक्रम देख रहे हैं, धर्मवीर गोयल भी नमस्ते कह रहे हैं और घनश्याम पारिक जी हैं, भरतलाल जी हैं, पूर्ण आर्य जी हैं और प्रेम चंदोरा जी कह रहे हैं कि मेरे कर्मस्थली 27 ML के सभी गणमान्य नागरिक बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। और बलवंत सिहाग जी ने भी अपना मंतव्य बताया है और कह रहे हैं कि आपकी आवाज़ बड़ी धीमी आ रही है। मैं बोल तो रहा हूँ जोर से, अभी कट गई है लाइन और जुड़ने का प्रयास कर रहे होंगे दोबारा। फिर से मैं इनवाइट करता हूँ, इनवाइटेड तो है, सिग्नल कहीं कुछ गड़बड़ कर गया है। डॉक्टर नगेंद्र कौर जी ने 100% दे दिए हैं प्रेम, और बलवंत सियाग जी कह रहे हैं कि नेटवर्क की आपके यहाँ कमी है, आवाज़ बहुत धीमे आ रही है। अच्छा, मैं थोड़ा धीरे बोल रहा था। नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वाईफाई लगी हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती इसमें। उधर भाटी जी की तरफ से कहीं कुछ डिस्टर्बेंस आ गई है। हाँ जी भाटी जी, दोबारा आप भेजिए रिक्वेस्ट ताकि मैं अप्रूवल दे करके आपको ऐड कर सकूं, अगर आप मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं तो। हाँ जी, आगे आपके अप्रूवल मैंने आपको ऐड कर दिया है, दोबारा ऐड हो रहे हैं आप, ज्वाइन कर लिया। हाँ जी, थोड़ा देर हो गई थी तो मैंने दोबारा आपको दिया है। हाँ कोई बात नहीं सर, थोड़ा व्यवधान आ गया था, तकनीकी समस्या है कोई तो, तो कुछ नाम इस बीच में मैंने पढ़ दिए हैं, तो अब आप अपना वक्तव्य जारी रखें। तो वो रचना चल रही थी सर मेरी, जो अग्नि योगा सिंह के सॉरी जो आपके साथी जो हैं वो वरिष्ठ घोषित साइफे कर रहे, उन्हें रचना वो मैं पढ़ रहा था और शायद आपको पसंद आई होगी, और बीच में कनेक्शन कट गया था तो बहुत सारी मेरे तो दोबारा शायद बोल। प्रमोद जी ने बहुत सारी रचनाएं तो मेरे सामने ही रची हैं। जी। तो ये आपने अवश्य सुनी होगी सर, बहुत ही अच्छी मेरे को लगी, बहुत अच्छी शब्द लगी ये। जी अब आगे बढ़ते हैं, पारिवारिक स्थिति क्या है आपकी, बाल गोपाल और क्या करते हैं सर? पारिवारिक स्थिति मैं बता दूं कि हमारे पिताश्री श्री मणिराम जी भाटी जो डाक सेवा में उन्होंने सेवाएं दी, और सर उनकी मेहनत के बारे में कहना चाहूँगा कि जब वो रिटायरमेंट हुए हैं गत वर्ष 4 अप्रैल 2021 को, उस दौरान भी वो हमारे जो आसपास के जो 13 गांव हैं उन पर वो लास्ट दिन भी अपनी सर्विस का जो अंतिम दिन था उस दिन भी 13 गांवों के अंदर साइकिल से चिट्ठियां बांट के आए हैं सर, इतने मेहनती है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। स्वागत। तो और उन्होंने बहुत कठिन मेहनत की हमारे पिताश्री, और
मजदूरी मजदूरी की हमारे परिवार ने, और मेरी माताजी का नाम विद्या देवी है, शायद विद्या का प्रकाश ही हमारे घर में फैला कि जो आने वाली और बड़े भाई साहब हैं लालचंद भाटी जी, 1996 के अंदर वो पोस्टेड हुए हैं, वो वर्तमान में वरिष्ठ अध्यापक हैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय थानदेवाड़ा के अंदर, हिंदी विषय के वो अध्यापक हैं, और बहुत ही उन्होंने भी बहुत मेहनत की और हमें भी सहारा दिया। और हमारे जो बड़े भाई साहब जगदीश भाटी जी हैं, वो अपना निजी व्यवसाय करते हैं और वो मेरे साथ ही रहते हैं, और छोटा छोटा मैं हूँ, और जो हमारे मिसेज हैं मैडम जी हमारे, वो आंगनबाड़ी के अंदर आशा शिविर का जो काम करते हैं, डोर टू डोर सीमाएं रहती हैं, और जो बड़ा बड़ा जो मेरा बेटा है, एक ही बेटा, बड़ा बड़ा नहीं मतलब छोटी गुड़िया है, बड़ा बेटा है मेरा, वो राहुल भाटी है, वर्तमान में 10th क्लास के अंदर वो अध्ययन कर रहा है, और छोटी गुड़िया है बेटी है वो 3rd क्लास के अंदर वो अध्ययन कर रही है। और इसी आपको बताना चाहूंगा, दोनों ही, धन्यवाद सर, दोनों ही बच्चे मेरे हैं वो सरकारी विद्यालय के अंदर अध्ययन कर रहे हैं, और लोग आपके बच्चे सरकारी स्कूल के अंदर क्यों नहीं पढ़ते हैं, तो मेरी जो बच्ची है वो मेरे साथ ही लेके जाता हूँ मैं बेटी को पारुल को, और बेटा है वो भाई साहब के स्कूल के अंदर वो अध्ययन कर रहा है। तो इस प्रकार से हम पूर्ण रूप से अपने पेशे के प्रति, अपने जो कार्यस्थलीय उसके प्रति समर्पित भाव से अपना जो काम कर रहे हैं और एक अच्छा संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। और आदरणीय भाई साहब भी, अभी आप ही उनका कमेंट पढ़िए सर, LC भाटी है जो हमारे बड़ी भाई साहब हैं, आप ही पढ़िए सर उनका कमेंट। तो अब मैं आगे बात को बढ़ाना चाहूंगा थोड़ा सा, और इन सब गतिविधियों के अलावा हो सकता है कि कुछ पूछने में रह गया हो, मैं ना पूछ पाया हूँ, और आप अपने स्तर से किसी बात का जिक्र करना चाहें जो सबके लिए बहुत ही महती आवश्यकता और दिशा निर्देश के रूप में सबके सामने आए। सर मैं मुख्य तौर से ये कहना चाहूंगा कि जो वर्तमान जो परिवेश बन रहा है पूरे राष्ट्र का, इसके अंदर जो निजीकरण और सरकारीकरण का जो ये कंपटीशन सा चल रहा है, उसके अंदर अब निजीकरण के अंदर कुछ जो समर्थन कर रहे हैं, तो मैं रिक्वेस्ट ये करना चाहूंगा पूरे समाज से, पूरे देशवासियों से, या सभी जो भी है उनसे रिक्वेस्ट ये करना चाहूंगा कि शिक्षा को, यदि शिक्षा का निजीकरण हो गया तो फिर देश का उद्धार करने वाला नहीं होगा। हाँ, निजीकरण अपनी जगह है पर चलने दे, लेकिन पूर्णतः जो निजीकरण है वो यदि शिक्षा के क्षेत्र में यदि होता है तो बहुत ही घातक होगा, क्योंकि हम सरकारी विद्यालयों के अंदर पढ़ा रहे हैं बच्चों को, उनकी सामाजिक स्थिति, उनकी आर्थिक स्थिति जब हम देखते हैं तो महसूस होता है कि वास्तव में इनको कितनी जरूरत है, क्योंकि जब बच्चे को हम होमवर्क दे देते हैं या ये याद करने के लिए दे देते हैं तो घर पे आता है तो बच्चे को कभी तो बकरी चराने के लिए जा भी, जा खेत में अपने पापा के लिए खाना लेके जा, या इस प्रकार से जो ये चीजें बच्चे को टाइम ही नहीं मिलता, या उनका परिवेश ऐसा है और जो आर्थिक स्थिति उनकी है उस हिसाब से नशा प्रवृत्ति वगैरह, घरेलू हिंसा, उसके अंदर बच्चे बहुत डिस्टर्बेंस रहते हैं, तो उस मामले के अंदर हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, हमें पता है। ओम पारिक जी कह रहे हैं कि कार्यक्रम पूरा नहीं सुन पाया मैं, और फुर्सत में सुनूंगा, मुझे इस कार्यक्रम के दौरान अन्य काम में व्यस्त रहना पड़ा, बाकी सुनकर ही मैं कुछ कह पाऊंगा। पवन कुमार सिंगाटिया जी भी हैं आए, सुखदेव खरड़िया SD भी जुड़े, एक चंद भाटी, सीता राम मीणा, और कह रहे हैं कि जी जुगा सिंह को रेडियो पर बहुत सुना, बलवंत सिहाग जी, प्रेम गुड़ेला जी, और ये सब लोग बहुत आए हैं। हाँ जी, LC भाटी कह रहे हैं कि हमारी दिली इच्छा है कि हमसे रूबरू मिलें, और मिलकर बड़ी खुशी होगी, रूबरू ही हैं भाई अब। और बलवंत सिंह जी कह रहे हैं कि पोहड़ का जिला हनुमानगढ़ में मैं शिक्षा के दृष्टिकोण से सबसे आगे है,
हमारे गांव की अध्यापक गण हैं, बहुत ही बढ़िया हैं, बहुत ही शिक्षित हैं, सभी का अभिवादन करता हूँ। नमस्कार, शैलेंद्र चोपड़ा जी। तो बलवंत जी, अगर आपके स्कूल गांव में या आपके आसपास के किसी गांव के अंदर कोई इस तरीके का कोई बहुत ही अच्छा क्रियाशील अध्यापक हो तो जरूर भेंट करवाइए, इस कार्यक्रम को हम करेंगे। तो भाटी जी ने दोबारा रिक्वेस्ट मांगी है। हाँ, इनवाइटेड हैं सर, आप दोबारा जुड़ जाइए, आप दोबारा जुड़ जाइए, दोबारा अप्रूवल मांग लीजिए, जुड़ जाएंगे आप। दोबारा ऐड कर दिया है आपको। तो जगदीश भाटी जी कह रहे हैं आया था जिंदगी बदलने के लिए, हमें खुद बदलनी होगी और सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, साथ चल सकते हैं, बाधाओं का सुलझा सकते हैं। ये हिम्मत हमें खुद में होनी चाहिए। बलवंत तिवारी जी कहते हैं कि कृपया अपना वॉल्यूम बढ़ाएं। वॉल्यूम सर जी मेरे बिल्कुल फुल है जी वॉल्यूम, और हो सकता है थोड़ी आवाज कम लग रही हो आपको। तो अभी भाटी जी दोबारा जुड़ गए हैं, तो मेरा ये निवेदन जी था कि आप कुछ और कहना चाहें अपने मन की बात, और कोई विचार जो सबके लिए प्रेरणादायी हो, तो कोई संदेश आप देना चाहें। स्वागत है। संदेश सर यही है कि जो सरकारी विद्यालय के जो शिक्षकगण हैं वो समाज से जुड़े हैं, समाज से, गांव से, अभिभावकों से जुड़ेंगे। एक उदाहरण देना चाहूंगा सर मैं, यदि हम एक कदम चलते हैं तो चार कदम सहायता के लिए लोग आगे बढ़ते हैं, यदि प्रयास किया जाए तो। और मैं भी क्या है बिल्कुल कि जहां मेरी ड्यूटी है, डोर टू डोर एक घर आंगन तक मैं पहुंच सकता हूं। और हमारे विद्यालय के अंदर शौचालय की बड़ी समस्या थी पिछले साल तक। अब क्या है कि हमने जो गांव वालों से रिक्वेस्ट की कि इस प्रकार से बड़ी समस्या आ रही है और पूरे भारत देश के अंदर तो जो ये अभियान चलाया जा रहा है शौचालय का है, जो स्वच्छता का अभियान चला, लेकिन ये बड़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था के अंदर है। तो सर आप मानेंगे नहीं कि गांव वालों ने कहा कि नहीं इनको तोड़ के नया बना देते हैं। हमने कहा नहीं, उसके अंदर पैसा ज्यादा लगेगा लेकिन आप इसका ही रिपेयरमेंट करें। तो उन्होंने 10-12 दिन के अंदर ही गांव वालों ने ही अपनी जो अपने स्तर पर ही पैसा इकट्ठा करके और उन्होंने रिपेयरमेंट करवा के पूरी मार्बल वगैरह लगाकर बहुत शानदार उन्होंने जो स्टाफ के लिए अलग और बच्चों के लिए अलग और बना के उन्होंने दिए। और आप मानोगे नहीं सर, 54,000 54,000 रुपया गांव वालों का लगा था। बिल्कुल मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं जिनको समय ही नहीं मिलता है इस प्रकार से, तो वो उन लोगों ने भी आगे बढ़ करके। सर आपको गुरु जी आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, हम सहयोग के लिए तैयार हैं। जब भी कोई आयोजन होता है हमें पता ही लगता है किस प्रकार से वो मतलब टेंट की व्यवस्था है, चाय पानी की व्यवस्था है, किस प्रकार से होती है, बहुत मतलब हेल्प करते हैं। यदि हम खुद 2 कदम चलेंगे तो लोग 4 कदम चलने के लिए तैयार रहते हैं। तो हमें 7 दिन तक जो चल के इस भारत देश को, इस समाज को, अपने पूरे राजस्थान को एक अच्छा बना सकते हैं। और सर जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके नाम आप जोड़ लें, क्योंकि कई बार ये होता है कि हमारे कमेंट नहीं पढ़ा गया, क्योंकि मैं भी जब आपका कार्यक्रम देखता हूँ और मैं कमेंट करता हूँ तो मेरे को महसूस होता है सर ने कमेंट नहीं पढ़ा मेरा। तो कोई ऐसा रह ना जाए, मेरे साथ ही हरिराम स्वामी जी अंग्रेजी के अध्यापक वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे समाज बंधु हमारे आदरणीय भंवरलाल सोलंकी जी हमें देख रहे हैं और बुधराम जी भी राम राम कह रहे हैं, बहुत बहुत राम राम आपको भी। और टेकचंद भाटी जोगा सिंह कैद जी को प्रणाम कह रहे हैं, आपको प्रणाम कर रहे हैं सर। और सीताराम मीना जी जो है गंगाराम में अकेलेपन का दोस्त जोगा सिंह जी थे जिनकी रेडियो पर जिनको रेडियो पर हम सुनते थे, तो ये तो हमारे बचपन की यादें इनसे जुड़ी हुई है। आदमी जोगा सिंह जी के साथ तो मैं बचपन से ही सभी सुनते आए सर दर्शकों आपके। को कहूंगा कि सभी नाम नहीं पढ़ पाए, जैसे अभी इंटरप्ट हुए थे 2 बार, तो उसमें मैंने इसको स्क्रॉल करके वापस से कुछ नाम पढ़े हैं। लेकिन जो भी आपके कमेंट आए हैं, तो वो कार्यक्रम खत्म होने के बाद उसका जरूर आपको रसीद जरूर मिलेगी, लाइक किए जाएंगे। और अगर आपका कमेंट कोई उत्तर चाहता है, तो भाटी जी
बाद में भी आपको आभार और धन्यवाद या जो भी आपका कोई प्रश्न होगा इनसे तो उसका भी कोई ना कोई रिप्लाई जरूर देंगे कार्यक्रम खत्म होने के बाद। और आप सब लोग बहुत बड़ी संख्या में जुड़े हमारे काम, और मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि भी ये ऐसा कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, कोई प्लानिंग नहीं थी, सहज भाव से ही शुरू हो गया। और ओम पारी जी ने सहज नाम दे दिया चर्चा, इसको सहज चर्चा, और ये आज दूसरा अंक बहुत जल्दी आ गया। और अगर कई हमारे जो मेरे तक में नहीं है और इससे जुड़ना चाहते हैं और अच्छा काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उनकी बड़ाई होनी चाहिए, उनके काम को मेरी यही कोशिश रहेगी कि आगे लाया जाए, सबके सामने लाया जाए ताकि और लोगों को भी प्रेरणा मिले, नहीं तो कम से कम उनको सहयोग जरूर करेंगे। जो दो एपिसोड के अंदर ये बात सामने आई है कि अगर आप एक कदम चलेंगे तो आपके पीछे 100 आदमी 100 कदम चलने के लिए तैयार हैं, आपको सहयोग देने के लिए तैयार हैं। आवश्यकता है गाड़ी को चलाने वाले एक इंजन की, तो आज जी आपने इस रूप में अपने आप को पेश किया है और हम सब धन्यवाद देते हैं आपका। आपने समय निकाला अमूल्य और बड़े अनमोल विचारों एक और से मैं हमने सर सब। एक और जी मैं सर जी जी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जैसे मेरे गांव के अंदर जैसे थोड़ा सा हमें सोचने की जरूरत है। मेरे गांव के अंदर मैं पहले संकोच करता था कि लोग कहेंगे कि आप ऐसे कर रहे हो, आप ऐसे कर रहे हो, नेतागिरी कर रहे हो, नेतागिरी चमका रहे हो, तो ऐसा कोई भी कहने वाले कहते रहेंगे। अब गांव के अंदर मैंने एक संकल्प दिया है, शायद आपकी दुआओं से वो मैं पूर्ण कर पाऊं मेरे जीवन के अंदर, तो मैं बहुत धन्य समझूंगा अपने आप को। मैंने जो एक सोचा है, मेरी मन का जो सपना है, वो मेरे गांव हाँ जी, थोड़ा सर कट बात गया था, आपने। मैंने थोड़ा ऐड किया आपको। हाँ अपनी हाँ बात पूरी बिल्कुल, कीजिए सर। हाँ एक मेरा अंत में ये था कि मैंने एक सूत्र रखा है कि मेरे गांव को नशा मुक्त बनाने का, आने वाली पीढ़ी को, जो नशा कर रहे हैं उनको ठीक है, उनकी मुबारक हो उनको, लेकिन आने वाली पीढ़ियां हमें बचानी है। तो मैंने एक सपना है मेरा जीवन के अंदर, शायद मेरा पूरा हो जाए, और उस कड़ी में गांव के जो युवा बहुत अच्छा परिणाम दे रहे हैं, उन्हें छोटे छोटे मंच प्रदान करें, उनका उत्साहवर्धन करें, जयवीर ताकि गोदारा, बड़ाई का भूखा कौन नहीं होता। जयवीर गोदारा भी लिख रहे हैं कि गांव वालों में बहुत कुछ करने की क्षमता होती है मगर उनको टैकल जी करने जी वाला कोई चाहिए, ऐसी मुहिम को ये प्रेरित बात किया मैं कह रहा जाना चाहिए। जयवीर गोदारा जी ने ये अपने कमेंट लिखे हैं। और बलवंत झा जी लिख रहे हैं कि जीवन चलने का नाम है, चलते रहो सुबह शाम, और चलते रहेंगे तो जरूर पहुंचेंगे। और जैसा कि मैंने कहा गुरु इंजन की तरह होता है, डब्बे उसके साथ चलते हैं, और और उसी बात को गोदारा जी ने भी समर्थन दिया है। जी तो अभी हमने जो कार्यक्रम करवाया था उसके अंदर हमने नशा मुक्ति का जो एक नाटक, नुक्कड़ नाटक हमने गांव के अंदर खिलाया, जो 131 जयंती बाबा साहब की हमने गांव के अंदर मनाई, उसके अंदर हमने सोचा क्यों ना जिसने 1 साल या 2 साल हो गए नशा बिल्कुल नहीं किया, उनको मोटिवेट जाए, उनको सम्मानित किया जाए। तो पूरे गांव के सामने हमने ऐसे 2-3 बंदों को सम्मानित किया। उसका परिणाम सर ये निकला कि अभी कल या परसों की बात ही है, मैंने चर्चा सुनी कि 2 आदमी वो कह रहे हैं कि हमें इतना मोटिवेशन मिला है कि हम भी, मैंने उस दिन से कहते हैं एक दिन भी ड्रिंक नहीं की है, 2-3 बंदे ऐसे हैं जो हमें भी अगले साल आप सम्मानित करना। तो इस बहुत प्रकार से कदम बढ़ाने की जरूरत है। तो जो बच्चे हैं उनको प्रेरित करें, और इस प्रकार से छोटी छोटी मुहिम है जो हमें शुरू करनी चाहिए, बदलाव निश्चित तौर से आएगा, उसके परिणाम बहुत अच्छे हैं। और आपको इस मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मैं तो बहुत ही तुच्छ सा कह दें, आप छोटा सा प्राणी हूं, मेरे से बहुत अच्छे अच्छे विद्वान जो शिक्षक हैं वो बैठे हुए हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप उन्हें मंच प्रदान करें और आप उनकी जो ऐसी मुहिम वो आगे लेकर जाएं, ताकि जो देखने वाले श्रोता है, सुनने वाले श्रोता है, देखने वाले दर्शक हैं,
वो प्रेरणा ले और कुछ न कुछ नया करने की सोचे। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं आपसे भी निवेदन करूंगा और जितने दर्शक जुड़े हुए थे उनके साथ भी मेरा ये आग्रह रहेगा कि वो इस प्रकार की जो देश हित की, परिवार हित की, गांव हित की और सर्व हित की जो सोचते हैं और सोचते नहीं है करते भी हैं, उनको इस मंच पर लाने का मेरा प्रयास शुरू हुआ है। अचानक हो गया, मैं क्या करूं जो होने हो गया है, तो जोड़ने का प्रयास तो आप करेंगे और आप जुड़े उसके साथ और जोड़िए, तो उनके बारे में मेरे को जानकारी भेज दीजिएगा। इसमें कमेंट में भी लिख सकते हैं उनका नाम है, उनका टेलीफोन नंबर, या उन्होंने कुछ कार्य किए हैं तो वो बात करने से पता लग जाएगा। और अभी तो दूसरा ही अंक है आज तो चर्चा था, और आज देखो जैसे जैसे क्योंकि काम करने वालों की कोई कमी नहीं है, बहुत छिपे हुए रुस्तम पड़े हुए हैं हमारे इर्द गिर्द, लेकिन उनको सामने लाने वाला अभी तक नहीं आया, आया तो आधा अधूरा आया। तो भाटी जी आपका धन्यवाद बहुत बहुत, आपका भी बहुत और बहुत धन्यवाद, आप भी अपने दर्शकों को आपका भी धन्यवाद बहुत बहुत स्वरूप धन्यवाद दो सर। शब्द बोल दीजिए। आप जितने भी लोग इस कार्यक्रम के अंदर समय निकालकर जुड़े, आप सभी का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करूंगा, धन्यवाद करूंगा। और आदरणीय योगासन के जी का एक वाक्य मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमने जो बोलना है बहुत कुछ बोल चुके, अब युवाओं की बारी है, हम उन्हें मंच प्रदान करेंगे। ये तो है ही सर, आप मंच प्रदान कर रहे हैं, लेकिन आप चलती फिरते हुए एक किताबें हैं, ज्ञान के भंडार हैं। जितना ज्ञान आप हमें प्रेरणा दे रहे हैं, आपसे हम सीख रहे हैं। और ये जो फेसबुक से कार्यक्रम है वो एक तरह की डायरी है सर। इस दुनिया से चाहे हम चले जाएंगे, हम आपको इस, लेकिन ये कार्यक्रम यहीं पड़े रहेंगे, जब मन करेगा तब हम उनसे प्रेरणा लेंगे। और ये कार्यक्रम आप अनवरत जारी रखिएगा, मेरा निवेदन ये रहेगा, इसको अनवरत जारी रखें आप। संदीप कुमार जी का दो बार मैसेज आ गया, वो मैं बिल्कुल पढ़ना चाहूंगा, बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने। इन्होंने संदीप कुमार जी ने मैसेज लिखा है, दो बार सामने आ रहा है, राम राम थैंकू ओम जोगा सिंह जी, ये इनका संदेश है। तो आपके संदेश का हम दिल से सम्मान करते हैं, और सीताराम जी मीणा ने भी सबको हमको नमस्कार कहा है, धन्यवाद दिया है। और अच्छा आपका नाम भी आ गया, लक्ष्मण भाटी भाटी सिंह, राजवीर सिंह जी भी आ गए हैं। तो जितने भी सदस्य हमारे जुड़े उन सब का हम आभार व्यक्त करते हैं। और श्री लक्ष्मण भाटी बलवान सियाल जी लिखते हैं कि सर जी आपने शिक्षा के प्रति बहुत ही बढ़िया बातें सुनाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़े विनम्रतापूर्वक ये बातें हमारी सुनी। और जीवन चलने का नाम चलते रहिए सुबह शाम, ये बलवंत सियाल जी रहते हैं। बिल्कुल सर, हाँ जी सर, चलें जी, नमस्कार, शुभ रात्रि सर, शुभ रात्रि।